प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह साफ संदेश दिया है कि भारत संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, स्पेशली रशिया यूक्रेन मुद्दे पर। दोनों नेताओं की मुलाकात आज BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जहां उन्होंने एक दूसरे को गले भी लगाया। ये शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित हो रहा है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के समूह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समूह की सफलता की सराहना की और उन्हें ये भी बताया कि कई ऐसे दूसरे देश हैं इस समूह का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन समस्या में हम सभी पक्षों के साथ संपर्क में हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि संवाद के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम मानते हैं कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत हमेशा शांति स्थापित करने के लिए मदद करने को तैयार है। शिखर सम्मेलन के लास्ट में कजान डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, जिसके तहत 5 नए सदस्य BRICS में ऑफिशियल रूप से शामिल होंगे। ये BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की इस साल रूस की दूसरी यात्रा है। जुलाई में वे भारत रूस एनुअल इंडिया रशिया समिट में भाग लेने मॉस्को गए थे, जहां पर उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने उन्हें रूस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया था। भारत और रूस के संबंधों को स्पेशल और विशेष अधिकार प्राप्त स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री से ये कहा, रूसी भारतीय संबंध विशेष रूप से विशेष अधिकार प्राप्त स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का रूप ले चुके हैं और ये लगातार विकसित हो रहे हैं। भारत रूस के तेल का एक बड़ा ग्राहक है, जिससे पश्चिमी देशों को निराशा भी हुई है। अमेरिका और उसके पश्चिम सहयोगी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और व्यापार के माध्यम से रूस को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि वो वहां से तेल खरीदेगा जहां से उसे एक उचित कीमत मिलेगी, ताकि भारतीय नागरिकों को लाभ हो सके। रूस ने BRICS सम्मेलन को एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री के रूप में प्रेजेंट किया, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि यूक्रेन संघर्ष के कारण मॉस्को को अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयास सारे के सारे फेल हो चुके हैं। अमेरिका ने इस विचार को रिजेक्ट किया है कि BRICS एक जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदी बन सकता है, लेकिन उसने मॉस्को की बढ़ती डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म यानी कि सक्रियता पर चिंता जताई है, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष अभी भी जारी है। इस साल रूस ने पूर्वी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में लगातार प्रगति की है और चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर अपने संबंध को मजबूत किया है, जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। कजान में BRICS लीडर्स को एक साथ इकट्ठा करके क्रेमलिन ये दिखाना चाहता है कि रूस न केवल अलग थलग है, बल्कि उसके पास साझेदार और सहयोगी भी है। मॉस्को बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट कॉन्स्टेंटिन कालाचेव ने AFP समाचार एजेंसी को ये बताया कि इस बार क्रेमलिन पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक ऑप्शन दिखाना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एक रियलिटी है। कालाचेव ने ये कहा कि मॉस्को का गोल शक्ति को पश्चिमी राष्ट्रों से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में फैलाना है।